हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल द सीक्रेट ऑफ इन्वेस्टिंग में। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से लगातार मार्केट में तेजी के चलते आप लोग आज के दिन देख रहे हैं 17,000 का लेवल भी बड़ी ही इजीली क्रॉस हो चुका है और यहाँ पे आज के मार्केट की क्लोजिंग 17,158 पे आपको देखने को मिल रही है। इतना तेजी आने का रीजन आप लोगों को ऑलरेडी अमेरिका की जो फेड मीटिंग हुई है कल परसों में, उसका आउटकम आपको दिया जा रहा है, जिसमें यहाँ पे रिसेशंस काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल लेवल में आपको बताए जा रहे हैं। यहाँ पर रिसेशन आने की ज़्यादा उम्मीद नहीं है, जिसके चलते मार्केट में ये जो जुनून आया है, ये जो तेज़ी आई है, उसका आप लोगों को सीधा सीधा काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। यहाँ पे हम लोग IRCTC स्टॉक के बारे में बातचीत करने वाले हैं और इस स्टॉक में आप लोगों को काफ़ी अच्छा मौका मिल रहा है खरीदारी करने का। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ इस वीडियो में बताऊंगा। तो अगर आप लोग ने ऑलरेडी बाय कर रखा है, फिर अगर आप लोग सोच रहे हैं कि IRCTC स्टॉक को किस लेवल पर बाय किया जाए, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे बात करें डाटा की, तो आप लोग देखिए कि पिछले 2-3 दिनों से यहाँ पे FIIs जो हैं वो यहाँ पे बाइंग करते हुए नजर आ रहे हैं और यही चीज़ आपको देखने को मिलेगी। पिछले 1-1.5 महीने से यहाँ पे लगातार कंटिन्यूस सेलिंग आपको FIIs की चलती हुई नज़र आ रही थी, जिसके चलते यहाँ पे मार्केट कंटिन्यू बेसिस पे गिरती जा रही थी और इन्हीं क्वालिटी स्टॉक से FIIs का पैसा गया है IRCTC और भी बहुत सारे क्वालिटी स्टॉक्स। तो अब ये पैसा वापस से इन्हीं स्टॉक्स में आता हुआ आपको नज़र आ रहा है, जिसके चलते आप लोग देखेंगे कि आज के दिन यहाँ पे 6% की गजब की मोमेंटम बनता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो इस स्टॉक का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो काफ़ी ज़्यादा नीचे आपको ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है, जिसके चलते यहाँ पे आप लोगों को एक अच्छा खासा मौका भी मिल रहा है। और यहाँ पे आप लोग अर्निंग देखिए इस कंपनी की, लगातार कंटिन्यू आप लोगों को बहुत तेज़ी से ग्रोथ इस स्टॉक में देखने को मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पे अर्निंग जो है वो रॉकेट की तरीके आप लोगों को बढ़ती हुई नज़र आ रही है। अगर आप लोग जून क्वार्टर का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें, तो उसमें भी आप लोग यही चीज़ सेम चीज़ देखेंगे कि FIIs ने यहाँ पे थोड़ा सा डाटा को डाइल्यूट किया है 6.42 से 5.87 और अब यहाँ पे आप लोगों को FIIs की वापस से एंट्री होती हुई नज़र आ रही। तो डेफिनेटली आप लोगों को यहाँ पे ये यह डाटा है आगे आने वाले टाइम में अच्छा खासा बढ़ता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि आप लोग देखिए यहाँ पे 8.07 8.17 के आसपास की यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न थी और अब आप लोगों को वापस से ये जो चीज़ है बढ़ती हुई आपको नज़र आ सकती है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें IRCTC की ग्रोथ की, तो आप लोग देखिए बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे नई नई थीम्स आपको निकलती हुई नज़र आती हैं। IRCTC पैकेज टूर यहाँ पे निकालता रहता है। आप लोग देखिए 3 हफ्ते पहले यहाँ पे देख सकते हैं भारत गौरव थीम्स यहाँ पे निकली थी, जिसके चलते यहाँ पे बहुत सारे लोग घूमने जा सकते हैं। टूर ड्यूरेशंस आप लोगों को यहाँ पे ऑलरेडी डिटेल दी जाती हैं। यहाँ पे एक और आप लोग देख सकते हैं, 3 दिन पहले साउथ इंडिया घूमने की यहाँ पे एक ट्रेन लॉन्च की गई है, जिसकी जो प्राइस है वो 45,000 के आसपास है। तो यहाँ पे जितने भी टूर पैकेजेस निकलते हैं, तो इसके चलते यहाँ पे आप लोगों को आने वाले टाइम में IRCTC में और अच्छी खासी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी। तो आप लोगों को जरूर इन लेवल्स पे स्टॉक को बाय करना चाहिए, क्योंकि पिछले 6 महीने से आप लोग देखिए स्टॉक में कंटिन्यू गिरावट है और यहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा सपोर्ट भी इस स्टॉक ने बनाया है। क्योंकि आप लोग देखिए पूरा जून यहाँ पे लगभग 600 के लेवल पे इस स्टॉक ने कंसोलिडेट किया है, तो काफ़ी अच्छा खासा एक बेस भी बनाया है इस स्टॉक को। तो ज़रूर आप लोग IRCTC को रिडार में रख सकते हैं और अगर आप लोगों को ये अच्छा लगे तो इस पर खरीदारी भी करके चल सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो लाइक कर सकते हैं। चैनल पर फर्स्ट टाइम होंगे तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।